आर्मी समूह है, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, उसमें जाने के लिए यहाँ पर आपको स्कैन करना होता है। तो स्कैन करने का सीन कुछ ऐसा है कि आपको गूगल लेंस के थ्रू QR है वो स्कैन करना होगा। मैं QR दिखा दे रही हूँ आपको, ये QR है उसको स्कैन करना होगा। और अगर आप इंडियंस हैं तो सिर्फ 35 रुपये आपको, अगर आप खुद से करें तो 35 रुपये में हो जाएगा इंडियंस का, और फॉरेनर्स का है 550 रुपये। बट अगर यहाँ पे और भी लोग अवेलेबल हैं, अगर इनकेस आपका नेट नहीं चल रहा या फॉर एनी रीज़न आपका नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर हैं लोग जो कि आपका बुक कर देते हैं, तो वो 35 की जगह 40 लेंगे इंडियंस का, और आई थिंक फॉरेनर्स का शायद 600 रुपये है। तो ऐसे चार्जेस होते हैं। तो ठीक है, मुझे सही लगा लाइक यहाँ पर आके अपने आप कर सकते हैं। और डिटेल में सिर्फ आपका मोबाइल नंबर मांगता है और आपका नाम मांगता है, और जितने भी लोग होते हैं उतने लोग मांगता है, और अमाउंट दिखा देता है, मतलब कोई भी एक आईडी, आई थिंक आधार नंबर मांगता होगा ना, वही एक आईडी, आप पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, एनीथिंग। हाँ, तो वो आप उसमें फिल कर देंगे एंड देन आपको इजीली टिकट मिल जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं, और यहाँ ये देखिए यहाँ पर इस तरह से जाने का है। तो यहाँ पर है ये एंट्रेंस है, यहाँ का एंट्रेंस पर आए थे तो वहाँ पर आपकी जो टिकट्स वगैरह होते हैं वो चेक हो जाता है, और जो भी अगर आपने कोई सामान लिया होता है तो उसकी चेकिंग होती है एंड देन आपको वो अंदर जाने के लिए करोगे, देन एक लिंक जनरेट होगी, यूजुअली सबको पता रहता है। हाँ, देन उसमें 3-4 ऑप्शन आते हैं लाइक इंडियन हो, फॉरेनर हो, और स्पेशली जैसे ना अपना इंडिया शार्क में आता है लाइक साउथ एशियन कंट्रीज में, तो इस तरह के लिए अलग अलग चार्जेस हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मोटे मोटे दो तरीके हैं, इंडियन के लिए सिर्फ 35 है एंड फॉरनर्स के लिए 550 है। लाइक सम टाइम आपका नहीं चल रहा होता, नहीं चल रहा है, देन हाँ, या कोई भी इशू आता है तो आप उनको कैश कर सकते हो, वो आपका चार्ज कर देंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ का बेसिकली, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो था एंट्रेंस, वहाँ से हम लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से है, और ये है यहाँ का ओवरऑल लुक, बाकी हम पास से भी जाकर आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, अभी यहाँ पर है लक्ष्मी मंदिर, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, और व्यू आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा आया है, और यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, और ये आप कारीगरी देखिए कितनी खूबसूरती से बना है सब कुछ। अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो हम जा रहे हैं वारा टेंपल, लक्ष्मी टेंपल के जस्ट बगल में है, और तो भगवान जी के अवतार यानी कि विष्णु जी के अवतार हैं ये, तो उन्हीं का टेंपल है। तो चलिए चलते हैं अंदर, और इस बोलते हैं कि अगर आपने इसकी परिक्रमा लगा ली तो फिर सारे देवी देवता की परिक्रमा एक साथ लगा ली। 14 पिलर पे बना हुआ है एंड वो ऊपर देखो तो कमल की आकृति बनी हुई है, और विष्णु जी का एक अवतार वराह अवतार कहते हैं, तो ये वो वराह अवतार है। इसमें देखो नक्काशी कितनी मतलब बारीक है, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे वो उनके जो दांत होता है वराह के दांत वो शायद, बट लिटरली मतलब इतनी बारीक नक्काशी करना और कब के टाइम, रहा भी होगा ना जब मुगल काल रहा है वहाँ से तोड़े गए होंगे। ये पिलर अगर ध्यान से देखो ना इनमें से रखा हुआ है ऊपर, कुछ ऐसा नहीं कि वो पिलर्स ऊपर तक गए उनमें ज्वाइंट हो कहीं, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट लक्ष्मण टेम्पल, लक्ष्मण मंदिर हम लोग जा रहे हैं, और तो चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसे वैकुंठ रूप, जैसे वो वैकुंठ धाम में अपने जैसे रहते हैं तो उसी को ये समझते हैं। ओके, आपको कैसे लग रहे हैं यहाँ के मंदिर वगैरह ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। धूप लग रही है ना, धूप अच्छी खासी निकली है, और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कपड़े पहन रखे हैं बिकॉज सुबह में ठंड लग रही थी, जब हम लोग होटल से निकल रहे थे तब ठंड लग रही थी। ओके, तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये है पूरा, थोड़ा मिस्ट्री टाइप फीलिंग नहीं आ रही? कुछ मिस्ट्री हम लोग सुलझाने के लिए आ रहे हो, आओ साथ में चलते हैं। Guys, we are here to solve the mystery of पता नहीं किस खजराओ। यहाँ से लाइटिंग कितनी प्यारी आ रही है, देखो। से यहाँ पर बना हुआ है ऊपर की नक्काशी आप देख सकते हैं, बट मोस्टली यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना इनके खंडित कर दी गई है मूर्तियाँ। हाँ, मंदिरों में तोड़फोड़ करनी है। हाँ, तो जहाँ पर ना मेन मूर्ति स्थापित होती है उसे गर्भगृह कहते हैं, तो यही मंदिर का गर्भगृह है जो बहुत हल्का सा दिख रहा है। हाँ, और जिस एरिया में भी खड़े हैं इसे अंतराल कहते हैं, और ये जो चार खम्भों पे बना हुआ है इसे महामंडप कहते हैं। मतलब जस्ट लाइक आप लोग के अभी मंडप बनाया जाता है ना, तो आप इसको देख सकते हो मंडप की तरह ही दिख रहा है। तो ये है महामंडप। महामंडप क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भी है एरिया वाइज, और तब के टाइम पे कुछ अगर अनुष्ठान वगैरह कुछ हुआ करते होंगे तो इसी एरिया में हुआ करते होंगे। जैसे हमारे होता है ना चारों खम्भे लेके और फिर उसके ऊपर चीज़ें बनाई जाती हैं एज अ मंडप की तरह। और यहाँ पर इस तरह से झरोखे बनाए गए हैं जिनसे रोशनी आती है। हाँ, तो आप देख सकते हैं ना, गाली वाला कार्य तो बहुत बाद में हुआ। हाँ, लेकिन ये जो ये पोर्शन ओपनली ओपन छोड़ा गया होगा। हाँ, ये पहले। हाँ, तो इसी वजह से ताकि यहाँ पर रोशनी आ सके। हाँ, और जिससे सारी मूर्तियाँ और ज्यादा खूबसूरत दिख सके। अभी तो जाली वाली रखने से थोड़ी सी रोशनी और कम आ रही है। तो चलिए अभी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जहाँ से हम एंट्री लेते हैं किसी भी विशेष रूप से मंदिर में, उसे मुख्य मंडप बोलते हैं, बाकी अंदर का मैं बता ही चुका हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट जगह पे। ये इंटरलॉक सिस्टम है। हाँ, तो पत्थरों को जोड़ने की सोचिए, उस टाइम पे भी ये सब चीज़ें हुआ करती थी। एंड अभी अंकल जी ने बताया कि जो नंबरिंग है। हाँ, तो ये मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। अच्छा। मतलब पहले ये मंदिर थोड़ा सा धस गया था बताते हैं, तो सारे पत्थरों पे नंबरिंग कर ली, देन फिर उसको हटा दिया, देन अगेन उसको जोड़ लिया। तो आप देख सकते हो सारे पत्थरों पे नंबरिंग है। इवन मतलब इन्होंने ऐसा भी किया है कि H3, H4, H5, मतलब इधर वाला इधर ना आ जाए। हाँ, ये जो ये सिमिलर टाइप। हाँ, ये अलग से हटाया गया और ये दोनों अलग से हटाया गया, और फिर जब जोड़ा गया तो फिर साथ में उसी साथ ही जोड़ा गया। तो काफी कुछ मेहनत की गई है, ऐसे थोड़े वर्ड हट रहे थे। और ये बहुत ज्यादा पहले की बात नहीं बता रहे हैं, 25-30 साल पहले। ओके, सैल्यूट टू गवर्नमेंट आल्सो। या
फर्स्ट वी कॉल पूसा एंड छाया मॉर्निंग एंड इवनिंग। हाँ ये वो वाला है ना, उसमें रेक्टिफाइंग करते हैं, ऊपर से लोहे की क्रॉड लगाते हैं और नीचे प्लेट को जोड़ देते हैं, तो कभी अगर बिजली गिरे तो सीधे जमीन पे चले जाए। हाँ ये जो ये रॉड है। वहाँ पर सामने वॉशरूम बना हुआ है एंड यहाँ पर आके रेस्ट कर सकते हैं और आई थिंक खाने पीने की चीज़ें भी ला सकते हैं। खाना पीना खाइए घर से लेके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये पार्ट वन है, इसका पार्ट टू भी जल्द ही आएगा। मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी से जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर सकूं। वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।